बहुत ही अच्छी टीम यहाँ विजयी होकर आएगी और रेवाड़ी के विकास में एक बड़ा योगदान देगी। बहुत ही अच्छी चल रही है, जोरों शोरों पर चल रही है, पूरी तरीके से हम प्रिपेयर्ड हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, सेवा करने के लिए उतरे हैं, जनता की सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है। घड़ी आ गई बदलाव की, रेवाड़ी के विकास की, समय के साथ काम की बात, हर घड़ी हर पल सोच केवल विकास की, शहर वही सोच नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि रेवाड़ी के अंदर सड़कें अच्छी हों, म्यूनिसिपल कमेटी में जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा के ऊपर है उसको समाप्त करें। पार्लियामेंट में कप्तान अजय सिंह लड़े, असेंबली में उसका बेटा लड़े और चेयरमैन के लिए उनकी पुत्रवधू या उनकी भाई की पुत्रवधू लड़े। रेवाड़ी में चुनावी दंगल सज चुका है, जहां 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है, सभी उम्मीदवार चुनाव से पहले हर तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ उम्मीदवार घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी आलाकमान भी उनके समर्थन में रैलियां कर प्रचार करने में जुटा हुआ है। आचार संहिता लगने से पहले उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार को और तेज कर दिया है। बीजेपी की ओर से जहाँ सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ रेवाड़ी में रैलियां कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से शैलजा के बाद आज पूर्व सीएम हुड्डा ने चुनावी सभा कर हुंकार भरी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव आज एक बार फिर सुबह से ही लोगों के घर घर जाकर प्रचार में जुटी और लोगों से वोट की अपील की। वहीं जब उनसे तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के लोग उनके साथ हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सिर्फ रेवाड़ी का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। तैयारियां हमारी चल रही है जोर शोर से, सब जनता हमारे साथ चली रही है, अपना पूरा प्रचार परचम जोरों शोरों से चल रहा है हमारा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के आने से रेवाड़ी में बीजेपी का माहौल बन गया है और जनता उनका खुल के समर्थन भी कर रही है। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है हमारी, जैसे आप देख रहे हैं जनता में जोश और उमंग भरा हुआ है। कल अपने यहाँ पर ओपी जी धनखड़ जी भी आए हुए हैं, उसके बाद जनता और भी ज्यादा जोश में आ चुकी है और सभी अपना पूरा समर्थन और सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही रेवाड़ी में निकाय चुनाव ने किसी उत्सव जैसा रूप ले लिया है। उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंच रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहा तो कोई पानी या सड़कों की समस्या को लेकर लोगों के बीच जा रहा। मुद्दे कई हैं और दावे और वादे भी खुलकर किए जा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन को कौन मना पाया, इसके लिए अभी 30 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।